नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह धोगी जी बने, और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हिसार से सांसद हैं विजेंद्र सिंह, उन्होंने जो है बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वीरेंद्र सिंह आपके काफी नजदीकी रहे हैं, काफी आपके क्लोज है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखो, वीरेंद्र सिंह जी सीनियर नेता थे, हैं, और जहाँ तक मेरे क्लोज की बात है, मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विचारधारा के नाम पे वो जब बीजेपी में गए तो मैं कांग्रेस में रह गया, क्योंकि बीजेपी में मेरी मानसिक तौर पे मैं बीजेपी को एक्सेप्ट किया। किस तरह देखने हैं सर, कई बार बातचीत भी हुई, आपने बीते दिनों बताया भी था कि वीरेंद्र सिंह जी से आपकी बातचीत हुई, अब जो है उनके बेटे ने जो है कांग्रेस ज्वाइन की है, कितनी मजबूती मिलेगी हरियाणा में, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो है तारीख जल्दी घोषित होने वाली है? देखो, कांग्रेस को मजबूती भी मिलेगी, और मैं तो बहुत दिनों से उनके पीछे लगा हुआ था भाई। वहाँ घुट घुट के अपने आप को घुट घुट के मारने की जरूरत नहीं है। आप जब विचार तौर पे, मानसिक तौर पे वहाँ नहीं हो, बीजेपी में वीरेंद्र सिंह की जो सोच है, जो विचार है, वो कभी भी बीजेपी का आदमी हो नहीं सकता। तो बहुत दिनों से मैं तो कह रहा था, तो आज उनका फोन भी आया मेरे को, कहते ले तेने लठ दे रखा था, कर दिया काम मैंने। तो क्या कुछ चर्चा हुई फोन पे, आपकी बातचीत हुई, वो कब तक कांग्रेस पार्टी में आएंगे, क्योंकि अभी जो है फिलहाल जो है उनके बेटे ने जो है कांग्रेस ज्वाइन की है? बेटे ने ज्वाइन की है, वीरेंद्र सिंह जी वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से उन्होंने संन्यास ले रखा है, लेकिन वो अब एक बहुत बड़ी रैली करके वहाँ पे अपने आप को कांग्रेस में शामिल करेंगे, जिसमें स्टेट के भी और बड़े बड़े नेता जो बुलाना चाहते हैं वो ये बताया। तो कांग्रेस कब तक अपने उम्मीदवार जो है घोषित करेगी, क्योंकि 10 लोकसभा चुनाव पे अब तक जो है फिलहाल बात की जाए तो इंडिया गठबंधन से केवल डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से, ये बाकी के जो 9 कैंडिडेट हैं ये भी बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी कर देगी, क्योंकि अभी इलेक्शन भी डिक्लेयर नहीं हुआ, और जो हमारी ऊपर जो कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, वो इस पे बहुत स्पीड से काम कर रही है। लगभग लगभग तय है, कई बार देखना होता है कि दूसरी पार्टी वाला कौन कैंडिडेट देता है कौन, तो एक समीकरण को उसके वेट कर। तो क्या कारण माना जा रहे हैं सर, जो उन्होंने जो है बीजेपी से जो इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की है? देखो, मेरे हिसाब से तो वीरेंद्र सिंह जी मजबूरी में वहां गए थे, कांग्रेस में कुछ मजबूरियां रही होंगी, अदरवाइज विचारधारा के नाते या उनकी जो, मैं जितना उनको जानता हूँ, वो एक सेकंड भी बीजेपी में नहीं रह सकते। जो बीजेपी की सोच, जो विचारधारा है, उसके तो 100% उल्टा दुनिया, और आज वो ठिकाने पे घर वापसी कर ली हमारे, हम स्वागत करते हैं और मिलजुल के काम करेंगे कांग्रेस को मजबूत। तो ये थे हमारे साथ करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह धोगी जी, तमाम विषय पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल जी।